हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ता कॉलर बनाना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इस पर पेपर पेस्टिंग की है। तो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 4.5 इंच और इसकी लंबाई रखी है 14.5 इंच। तो हम करेंगे अब इस पर नेक की कटिंग। तो हम ऊपर से लेंगे 2.5 इंच और 2.5 इंच ही हम नीचे से लेंगे। और फ्रेंड्स, 11 इंच पर एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। नेक में हम 1/2 इंच की दूरी पर गोलाई देंगे इस तरह से। ये हमने नेक की गोलाई दे दी और हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब हम इसे बीच में से ट्रायंगल बनाएंगे छोटा सा और इसे कट कर लेंगे बीच में से। ये ट्रायंगल भी हम इस तरह से इसे कट कर देंगे। अब हम ये कपड़ा लेंगे, 1.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। इससे हम बटन पट्टी बनाएंगे। इसे हम कपड़े के नीचे की तरफ रखेंगे उल्टी साइड और हम इस पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसकी सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। नीचे से हम इसे पक्का करेंगे। अब हमें इसे वापस से फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, तो हम इसे ऐसे फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें ये स्टिच कर लेना है। अब हम 1 इंच चौड़ी बुकरम लेंगे और इसे कपड़े पर हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये कपड़े पर पेस्ट कर ली। अब हम कुर्ता लेंगे और नीचे की तरफ से इसे रखते हुए इस तरह से हम इस पे लगाएंगे सिलाई। ये हम एकदम इसकी सेंटर में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम इसे पक्का कर लेंगे। अब हम इसे वापस से पलटेंगे और सीधी तरफ से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। ये हम एकदम फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है, क्योंकि हमारी ऊपर साइड वाली पट्टी आएगी। तो इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। नीचे की तरफ से हमें बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। अब हम ये दोनों पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऊपर से नेक को सेंटर में देख लेंगे, हमारा नेक ऊपर नीचे ना हो, और हम इस पे सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी कॉलर पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़े को आप पिन या किसी भी चीज़ से अंदर करके सिलाई लगा लें। अब हमें पट्टी जितनी ओपन रखनी है वो छोड़ते हुए हम नीचे 2.5-3 इंच पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ दोनों पट्टी लग के तैयार हैं। अब हम बैक पार्ट लेंगे, इसमें हम थोड़े नेक की कटिंग करेंगे। तो हम इसमें 3 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और हमें 1/2-1/2 इंच इसकी गहराई रखते हुए इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब हम इन्हें दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे शोल्डर की तरफ से। ये हम दोनों पार्ट इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब हम नेक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में कट लगाएंगे। अब हम इन स्टेप से इसे इसकी लंबाई नापेंगे। तो इस तरह से हम इसे इन स्टेप रखते हुए इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये बुकरम लेंगे और हम 1.5 इंच के पर इसके नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और फोल्डेड तरफ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ 2.5-3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से हम राउंड में ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो हमें 9 इंच पर कॉलर की लंबाई रखनी है, तो हम निशान लगाएंगे 9 इंच पर। और फ्रेंड्स, 1 इंच का हमें कॉलर बनाना है, तो 1 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, कॉलर बनाने की ये ट्रिक बहुत ही आसान है। इसमें हमें ज़्यादा मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा राउंड में कॉलर बहुत ही अच्छे से बन जाता है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो इस तरह से हम इसकी एकदम सेंटर में कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कर ली कॉलर की कटिंग।
और फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम अभी ये कपड़ा लेंगे और इस पे इसे रखते हुए हम इसे पेस्ट कर लेंगे और हम नीचे की तरफ इसमें एक और कपड़ा रखते हुए कॉलर पे सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम इसमें कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग बुकरम और पेपर पेस्टिंग का यूज किया है। इससे कॉलर नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके तैयार होता है। इसे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और बीच बीच में कट लगा देंगे और हम इसे करेंगे सीधा। इस तरह से हम दोबारा से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे प्रेस से बिठा लेंगे और हम इसके सेंटर में लगाएंगे एक कट। अब हम इसे कपड़े के साथ जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम इसे रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे उल्टी साइड से। ये हम पहले इसमें उल्टी तरफ से कपड़े पर सिलाई लगाएंगे कॉलर को रखते हुए। ये हम इस तरह से इसे फिनिशिंग से रखते हुए राउंड में इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉलर हमें बहुत ही हल्के हाथ से रखते हुए लगाना है, कॉलर को हमें खींचना नहीं है। और हम ये शोल्डर के जॉइंट पे लगाएंगे एक कट और इसे इस तरह से रखते हुए फिर से स्टिच लगा लेंगे। ध्यान रहे दोनों कट हमारे एकदम सेंटर में आने चाहिए, कॉलर वाला और नेक वाला। यहाँ पे भी हम एक कट लगाएंगे और कॉलर को जॉइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक साइड से हमारा कॉलर जॉइंट हो गया। अब हम इसे सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम इसे कॉलर को बंद कर लेंगे फिनिशिंग से। उल्टा करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करते हुए हम इसे सीधा कर देंगे। ये हमारा कॉलर सीधा हो जाएगा। देखिए हमारा कॉलर कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। अब हम इसे ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे कॉलर पर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा कितना अच्छा नेक बनके तैयार हुआ है।